धर्मनगरी से लगी गाजमर्रा रोड स्थित ऊपर पहाड़ पर देवों के देव महाकाल भगवान शिव लिंग रूप में स्थापित है, जिनका जन्मदिन महाशिवरात्रि के रूप में मनाया गया और पूरा संसार महाशिवरात्रि को मनाया और नगर में भक्तिमय वातावरण देखने को मिला। सभी शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ देखने को मिला। इसी क्रम में डोंगरगढ़ माँ बम्बलेश्वरी मंदिर पहाड़ी से लगकर चिचोला रोड गाजमर्रा के अंतर्गत आने वाले पहाड़ जो प्राकृतिक सौंदर्य से सुसज्जित है, जो दूर से देखते ही बनता है। वहीं बता दें, अगर पर्यटन विभाग इस ओर ध्यान दे तो इससे और भी विकास की संभावनाओं का सृजन हो सकता है। हम आपको बता दें, आज से लगभग 25 वर्ष पहले भगवान जटाशंकर शिव जी की शिवलिंग की स्थापना शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला के क्रीडा प्रभारी शिक्षक दत्ता सर के द्वारा ऊपर पहाड़ पर स्थापित की गई थी, जिसे शिव भक्तों और दानदाताओं द्वारा धीरे धीरे इस शिव मंदिर का विस्तार किया गया। आज इस मंदिर की स्थिति बहुत हद तक सुधर गई है और आज से बीते वर्षों से शिव भक्तों का आना जाना बढ़ गया और महाशिवरात्रि को अच्छी खासी शिव भक्तों की भीड़ जटाशंकर मंदिर में देखी गई। वहीं महाशिवरात्रि पर पहुंचे कुछ शिव भक्त श्रद्धालुओं से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया। जी बताएंगे आप कहां से आए हैं? सबसे पहले तो महाशिवरात्रि पर्व की डोंगरगढ़ वासियों को, कवर्धा वासियों को और प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं दीपक ठाकुर कवर्धा जिले से हूँ, कवर्धा से हूँ। जटाशंकर महाराज के बारे में डोंगरगढ़ में पहाड़ियों पर है यह जानकारी मुझे पिछले महाशिवरात्रि को मिली थी। मैंने उसी समय सोचा था कि इस महाशिवरात्रि आने वाले महाशिवरात्रि में मैं डोंगरगढ़ के पावन धरा पर जाकर जटाशंकर महाराज जी का दर्शन करूँगा। सपरिवार मैंने कल डोंगरगढ़ आया और आज सुबह भगवान जटाशंकर महाराज जी का दर्शन किया। बड़ा ही खुशी महसूस हुई और बहुत ही प्रफुल्लित हुआ मैं जटाशंकर पहाड़ों पर चढ़कर जटाशंकर महाराज जी का दर्शन किया। मैं यही मनोकामना करूंगा कि आने वाले समय में इस कोरोना महामारी से जटाशंकर महाराज सुरक्षा प्रदान करें सभी को और सभी की मनोकामना पूर्ण करें। ये बताइए, यहाँ पर अभी आप आए हैं मंदिर में, जटाशंकर मंदिर है ना, ये मतलब आपका डोंगर में एक अद्वितीय तीर्थ स्थान है ना, दूर से ही मतलब जो है शिवलिंग के आकार के बना हुआ है, यहाँ पर आकर के आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ अभी 11 साल मेरे को शादी हुआ है, मैं हर साल शिवरात्रि पे यहाँ आती हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है, यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी रहती है। इतना ऊंचाई पे भक्त आते हैं और यहाँ के जो भी है कर्तागण बहुत अच्छा इंतजाम करके रखते हैं, इसके भगवान की सभी मनोकामना। और क्या मतलब सुधार होना चाहिए, ऐसा कुछ आप तो देखते? अभी तो बहुत सुधार हुआ है, आगे भगवान जैसी इच्छा करे और सुधार और बड़ा मंदिर बने, स्पेस अच्छा से रहे। आज आप महाशिवरात्रि के अवसर पर जटाशंकर मंदिर आए हुए हैं, कैसा लगा आपको? सर्वप्रथम मैं तो आज महाशिवरात्रि के अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को, देशवासियों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ शुभकामनाएं देता हूँ। काफ़ी सालों के बाद श्रीधाम पर्वत पर आने का अवसर मिला है और जब मैं पर्वत पर चढ़ना शुरू किया तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि इस पर्वत धाम में जो जटाशंकर ट्रस्ट बना है उन्होंने इतने जल्दी इसका प्रोग्रेस किया कि आने जाने वाले को काफ़ी राहत मिली। मैं खुद स्वयं सोच रहा था कि इतनी पब्लिक आ जा रही है, उनके आने जाने का साधन कैसा होगा, लेकिन जब चढ़ के देखा तो मुझे लगा कि बहुत अच्छी व्यवस्था जटाशंकर ट्रस्ट कमेटी ने की है। निश्चित ही आने वाले दिनों में विकास होगा, मुझे कुछ यहाँ कमियाँ नज़र आ रही है तो मैं प्रयास करूँगा कि भारत सरकार की ओर से जो प्रसाद योजना अभी डोंगरगढ़ के लिए स्वीकृत हुई है पहले फेज में, द्वितीय फेज में और भी काम होना है, हम उसके लिए प्रयास करेंगे कि उस द्वितीय फेज में जटाशंकर का भी प्रवेश हो जाए तो निश्चित ही इसका विकास होगा। और मैं आपके यहाँ के अध्यक्ष जी से, सोनल जी से और ट्रस्ट वालों से भी निवेदन किया हूँ, इसमें आप स्थानीय प्रशासन और छत्तीसगढ़ शासन का भी सहयोग लीजिए। आइए अपने विधायक से संपर्क करके जो कमियाँ नज़र आ रही उनको एक आवेदन दे के उनको बोले तो निश्चित ही वो भी इस काम को पूरा करने में सहयोग प्रदान करेंगे और आने वाले दिनों में इस पर्वत का काफ़ी विकास होगा और दूर दूर से लोग यहाँ भगवान शिव के भक्त यहाँ दर्शन करने के लिए आएंगे। मैं आज के अवसर पर आप सबको अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ, पुनः महाशिवरात्रि के अवसर पर सबको बधाई देता हूँ। आज आप आए हुए हैं जटाशंकर मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर, कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा,
और मैं पिछले वर्ष भी आया था महाशिवरात्रि के दिन और आज आया। पिछले वर्ष और इस वर्ष की तुलना में थोड़ा चेंजेस लगा, दर्शनार्थियों की भी बढ़ोतरी हुई है। और पिछले वर्ष जो सीढ़ी नहीं बना था, इस बार जटाशंकर मंदिर ट्रस्ट वालों ने जो सीढ़ी का निर्माण किया वो निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में जटाशंकर मंदिर ट्रस्ट समिति और उत्तरोत्तर विकास करे और इस मंदिर के निर्माण में जो भी सहयोग होगा मैं छत्तीसगढ़ शासन के माध्यम से जो भी बन पड़ेगा मैं प्रयास करूँगा कि यहाँ और विकास हो और जटाशंकर मंदिर ट्रस्ट को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय महाकाल। जय। कैसा लगा है आपको यहाँ जटाशंकर? बहुत ही मनोरम दृश्य है। आपके साथ जो दादी आई है इनका उम्र कितना है? इनकी वर्ष 70 वर्ष की। ये पर चढ़ते हुए आई है सीढ़ियों? कैसा लगा दादी आपको यहाँ आके? पहले सीढ़ी नहीं था, अब सीढ़ी है। मंदिर में आगे बहुत अच्छा लगा। ठीक है। डोंगरगढ़ से अम्बरीश टांडिया, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।